मंच महत्वपूर्ण से सभी मानवों को ट्रांसफर, जितने भी वीर सैनिक के परिवार यहाँ आए हैं सबको मेरा प्रणाम। मैं हिंदू महासभा से आया हूँ और हिंदू महासभा से ज्यादा पीड़ा सैनिकों की मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर कोई समझ सकता है, क्योंकि देश की आजादी के अंदर जितनी पीड़ा हिंदू महासभा के सैनिकों ने उठाई हो, चाहे काला पानी की हो, चाहे फांसी के फंदे को हंसते हंसते चुनने की हो, सारे में सारे हिंदू महासभा के लोग जिन्होंने अपना परिवार त्याग दिया, भाई से भाई का मिलन नहीं हो पाया, फांसी के फंदे को हंसते हंसते चुन लिए, तो उससे ज्यादा पीड़ा मैं समझता हूँ कि कोई नहीं समझ सकता। आज ये जो कार्यक्रम रखा गया बलिदान दिवस, इसके जो आयोजक हैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने कम से कम उन सैनिकों की पीड़ा समझी, उनके परिवार को कुछ आश्वासन मिले कि हमारे परिवार के किसी सदस्य ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हैं, तो उनको भी कोई याद करने वाला है। इसलिए इस आयोजन समिति के जो भी अधिकारी हैं उनको मैं पहले नमन करता हूं कि उन्होंने पीड़ा को समझा, क्योंकि देश को आज सैनिकों की कितनी आवश्यकता है ये आप भली भांति जानते हैं कि आज बगैर सैनिक के हम रात को चैन से सो नहीं सकते कि पता नहीं कौन से बॉर्डर से कब गोली आए, किधर से कौन सा हमला हो जाए। ये वो सैनिक हैं जो हमें रात को शांति से सुलाते हैं, तो उनको याद करना, क्योंकि सैनिक को हमारे से कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ मांग नहीं करता, वो सिर्फ यही मांग करता है कि आप आराम से सो, -50 में मैं पैरा ले रहा हूं, लेकिन जब उसका बलिदान हो जाता है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसने हमारे लिए बलिदान दिया है, तो कम से कम उनके परिवारों को हम आश्वासन दे सकते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं, उनकी जो भी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति हम समाज के लोग मिलकर करें, तो कल से कम कल को हर परिवार हंसता हंसता अपने बच्चे को फौज में भेजे कि जा बेटा, पूरा देश तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम्हें सिर्फ बॉर्डर की रक्षा करनी है। समाज के लोग सब इकट्ठा होकर उस परिवार को इतना आश्वासन दे दे, ये सबको चाहिए, क्योंकि सैनिक नहीं मानता कुछ भी, ये हमारा फर्ज बनता है, उसमें हमारे परिवार के बच्चे भी हो सकते हैं, हमारा भाई भी हो सकता है, हमारे पिताजी भी हो सकते हैं, हमारे ताऊ चाचा भी हो सकते हैं, तो सबके सब सैनिक उन्हीं के सम्मान में, क्योंकि आपने पहले भी सुना होगा कि उसकी अभिलाषा क्या थी, उसने कहा मंदिर भी नहीं जाना, उधर नहीं गहरों पर भी नहीं जाना, मुझे सिर्फ उसको बैठा देना जहाँ से वीर सैनिक जाते हैं, तो कम से कम हम उस पुष्प की बराबरी तो करें, कम से कम हम इंसानियत का अपना तकाजा ये है कि उस सैनिक को कम से कम श्रद्धांजलि में 2 मिनट का मौन तो रखे, उनके परिवार को आश्वासन तो दे कि हो सकता है कि अगर कल को ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी अपना बच्चा फौज में भेजेगा नहीं, कोई सैनिक नहीं बनाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जैसे एक मजाक की बात हो जाती है कि हम हमने बोलते हैं लेडीज फर्स्ट लेडीज फर्स्ट, हमें ये ना बोल के कम से कम ये बोले कि फर्स्ट सैनिक, उसको लगे कि हाँ मेरे को समाज में सम्मान मिल रहा है, तो देखो वो कैसे हंसते हंसते बॉर्डर पे गोली खाता है, तो कम से कम इतना तो बोलना शुरू करें हम सैनिक फर्स्ट, और उनके सम्मान में जहां भी मैं कार्यक्रम हो रहा हूं तो जिस तरह का भी सहयोग आप चाहें देना, आंखें बंद करके खुले दिल से जो भी और भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं, आप तन मन धन से जो सहयोग होता है तो तन का सहयोग दे सकते हैं, जहां भी आपको खबर लगे कि कोई सैनिक का कार्यक्रम हो रहा है आप अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए सैनिक की, तो कम से कम वो सैनिक की जो आत्मा है वो प्रसन्न होगी कि मैंने जिस कार्य के लिए जिस उद्देश्य के लिए अपना बलिदान दिया है वो उद्देश्य मेरा सफल रहा, तो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है, और संगठन जो इस तरह से कार्य करते हैं, बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि जो ये कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है ये देश के प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग हर महीने के कार्यक्रम हो, ये भी एक देशभक्ति का कार्य है, ये भी उनकी आत्मा की शांति का कार्य है, तो बहुत
होते हैं, भाषण का वो नहीं है, सिर्फ शहीदों के सम्मान में जो कार्यक्रम हो रहा है उनके परिवार को थोड़ा सा आश्वासन मिले, शक्ति मिले कि हमारा भी है कोई इस दुनिया में सुनने वाला, और आगे से ज्यादा लोग अपने परिवार के बच्चों को फौज में भेजे। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां इस कार्यक्रम के आयोजन समिति को देना चाहता हूँ और विनती करता हूँ कि ये कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है, देश में जितने भी प्रदेश हैं हर प्रदेश में कार्यक्रम किया जाए, और हमारे से जो भी सहयोग कर पाएगा हिंदू महासभा की तरफ से मैं उनको सहयोग करने के लिए धर्म बहुत बहुत धन्यवाद। बंदे एक बार बहुत तेज़ तरह नारा लगा दो, बंदे बंदे।